Assalamu alaikum. Welcome to Sazbo aur Zaika. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. मैं रफशान के पसंद की लोबे की कड़ी बना रही हूँ. देखिए क्वार्टर के जी है ये, पौ किलो है लोबे, उसमें आधे आधे लोबे डालने, हाफ को डाल दें, बीच में डालना नहीं, बीच में डाल को ऐसा पकाए तो भी रेडी हो जाएगा. देखो आधे रख लियो मैं इसे, ये आधे अब कर दी, पौ के जी से आधे निकाल लेगा, आधे रख लो, करेक्ट होता है. नहीं है ज्यादा होना का तो पौ के भी पका ले सकती, ज्यादा बना रही तो. देखो भिगने डाल रही मैं, चुके एक हाफ एन आवर भैया चलता है, भिगे तो एक हाफ एन आवर बस भिगने गैस को. भिग को एक दो आवर ऐसा रखी थी इसमें, रात को भिगने नहीं डालते, कहते जरा बहुत भिग जाकर टेस्ट जरा कम हो जाता है, उसके वास्ते मैं आधे वो पौ किलो में से आधे भिगे डाल रही वो मसाले भी और तरकारी बताती हूँ. अगर आपके पास खाली एक आलू है तो चलता है कड़ी के वास्ते, नहीं है ये सब भी है तीन तरकारी भी हिंगा तो, और ये ऐसा भी डाल सकती है. नहीं खाली बैंगन है आलू है चलो डाल लियो ऐसा. देखो ये दो प्याज, ये इसमें दो प्याज, ये दो प्याज काट कर रखो हमें, इसमें लहसुन है कच्ची मिर्च है, ये सब मिला को मिक्सी में डाल को पीसना, और ये टमाटो पीसना इतने. देखो मैं पीस कर रखो हूँ टमाटो, ये पीस कर हूँ मैं. देखो ये तीन टमाटो, ये नारियल और इसके अंदर पिनिस के फलियाँ, पिनिस के फलियाँ ही दो बैंगन, दो बैंगन है और आलू है पटाटो है और ये हरी मिर्चा, ये सब डालने का है. ये तो मैं तोड़ कर रखू हूँ, ये पिनिस के फलियाँ ये तोड़ कर रखू हूँ मैं. और इसमें हल्दी, जीरा मेथी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर या धनिया का पाउडर, और ये जीरा मेथी का नहीं है आपके पास पाउडर है तो इतना थोड़ा ये मसाला में जो पीसती हूँ ना मैं, ये मसाला पीसती हूँ ना, उसमें थोड़ी एक स्पून जीरा, एक चाकी टी स्पून से आधी मेथी डाल लिया, मेथी डाल को इसके अंदर पूरा पीस लेना. पाउडर नहीं है तो बोल रहे ना मैं, जीरा एक स्पून टी स्पून और हाफ टी स्पून मेथी इसके अंदर दाल को पीस लो, अगर नहीं है तो. पाउडर बना को है तो देखो ऐसा रहना, उसमें खाली हमें एक टी स्पून डाल सकती हूँ टच. देखो इसमें पानी बॉयल करे शतल में, मैं ये लोबे भीगे हुए लोबे ही ना इसके अंदर डाल, ठंडे पानी में चढ़ाए तो देरी से गलती, जरा बॉयल करके डाले तो जल्दी गल जाती. अब इसके बाद क्या भी नहीं, बहुत ईजी, उतने मसाले वो सब चीज़ें दिखाई ना, क्या भी नहीं, घबराना नहीं. ऐसे बॉईल होने के टाइम के ऊपर देखना लोबे कितने गली, मैं सब बताती हूँ कैसा. देखो देखो लोबे गलते आ गए, इतने लोबे गल रही है ना, उसमें मसाला सब डालती मैं बताती हूँ, तरकारी मसाले सब डालना उसमें, और अमली का खट्टा भी डालना, मैं भूल गई बताने दिखाती हूँ. देखो ये प्याज डाल दूंगा इसमें, मिक्सी में प्याज लहसुन कड़ी को गर्म मसाला भी डालती हूँ, धोना तो मैं डाल लो गरम मसाले का, लहसुन गरम मसाला लहसुन प्याज, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ, खाली लहसुन प्याज कोथिमीर. ग्रीन पीस लेना इसे, लहसुन कोथिमीर प्याज पीस कर रहे, चाहे तो इसमें गरम मसाला होना तो कड़ी में भी डाल ले सकती, जरा एक दो तीन लोग या इलायची हरा पट्टा, और मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें. देखो ये खाली लहसुन प्याज कोथिमीर पकते रहती हूँ, लोग आधे गल जाती हैं, आधे गलने के बाद ये मसाला डालना, और लाल मिर्ची, लाल मिर्ची इतना डालना एक स्पून में, हल्दी आधा स्पून हल्दी, धनिया जरा ज्यादा डालना कड़ी को, देखो ज्यादा अब इतना डालना लाल मिर्चा से थोड़ा ज्यादा कड़ी को डाल, धनिया धनिया डाले तो टेस्टी रहता है, और जीरा मेथी एक टी स्पून, चाय के टी स्पून से एक टी स्पून डालना, ज्यादा डाले तो कड़वा की आ जाती है अच्छा नहीं रहता. और ये पक रहे हैं उसमें आपका बीच से तरकारी, देखो ये हरी मिर्ची काट को हूँ, चीरना नहीं, चीरा तो कड़ी तेज हो जाती है. सबके फ्लेवर को तीन हरी मिर्चा डाले, ये बीनस के फलिया काट कर रखो थी, नमी डाली
बैगन काट कर रखो थी ना, और बैगन भी डाल रही हूँ। अगर बैगन इसमें ज्यादा जल्दी गल गए तो निकाल को अलग रखियो, आलू बैगन तुम्हारे ये गले तक बाद में मिक्स कर ले जा, अगर नहीं सब मिला को बराबर गल रही तो ठीक है। तरकारी डालने के बाद थोड़ा करे पाप कर, अगर है तो करे पाप डालो, नहीं है तो परवाह नहीं, बगैर को भी नहीं है तो भी चलता है, फिर भी फ्लेवर अच्छा रहता है। कोथिमीर डाल रही हूँ, पीस को भी डाली और सारी कोथिमीर भी डाल रही हूँ। और उसके बाद टोमेटो पीस को दिखाई थी ना मैं, और टोमेटो पीस को इसमें डाली। तरकारी के साथ ये टोमेटो भी काट को डालना, पीस को भी डालना, काट को भी डालना टोमेटो। और उसमें कभी पकने के बाद पकते रहते हैं, अब नारियल लेना, जरा नारियल पीस को डालते हूँ, दिखाती हूँ। नारियल दिखी थी कोकोनट डालना है, देखो बैगन गले का क्या, अगर गले लगाए तो बैगन में घुल जाती है, इसमें पकते पकते सब इसके फलियां गलने का रहता है। बैगन को बोले ही तो निकाल को बाजू रख लो, बाद में कड़ी में बघारने के टाइम में मिला जा सकते। अब आलू गलना, आलू भी जल्दी गल गए या फिनिश के फलियां नहीं गले जल्दी, लेट गलती, उसके वास्ते है ना आलू भी फिनिश का फलियां भी अलग कर लो प्लेट में, बाद में है ना बघारने के टाइम में मिला ले सकते, नहीं सब मिला को पकड़ाएगी तो ठीक है। सब मसाले डाले में, टमाटो प्याज लहसुन कोथिमीर तरकारी मिला के सब मिला के डाल डाली। अब इसमें देखना आलू गले क्या, अगर अभी जर्रा गलने का है आलू, इससे बैगन है ना बैगन गल जाती, बैगन गल जाएंगे, देखो बैगन गलने का गया, अभी खराब हो जाता है पूरा, इससे क्या करना हमें बैगन को निकाल लेते, बैगन को निकाल को अलग रख लेना का है घट है, अभी जरा आलू ऐसा खिल जाना घर को, और फिर इसका फलने का कलर भी चेंज हो गया। देखो बैगन मैं निकाल रही हूँ, गल गई बैगन बहुत ही, अब गल को क्या होता है इसमें मिल गए तो देखो बैगन गल गई, ऐसा निकाल को रख लेना, नहीं तो अब इसमें बैगन गल गए तो क्या होता है तो पूरा मिक्स को खराब हो जाता है। उसका रखते अब इसमें नारियल डालना, अमली का खट्टा डालने का है, अमली का खट्टा होशियारी से देखो डालना, ज़्यादा खट्टा होगा तो भी कड़ी टेस्ट की नहीं रहती, खट्टी खट्टी हो जाती है। देखो अब लोबे भी अच्छा गल को फुट लेगा कि लोबे अच्छा गल गई थोड़ी ना फुट लेगा क्या, अच्छा होगा। अब इसमें क्या करती हूँ मैं, नारियल दाल को दम को छोड़ा देती हूँ, देखो अब इसको हमें ज्यादा नहीं डालना नारियल, इतना मैं तीन ने दिखा को थी ना, ये तीन पीस टुकड़े तपी से इतना होता मिक्सर को देखो यार, देखना कितना तुम्हारा गाढ़ा की होना कड़ी को, अब मुझे जरा कम है गाढ़ा की, और थोड़ा इतना मिक्स कर दूंगी, कड़ी गाढ़ागी बहुत गाढ़ागी भी नहीं करना, अच्छा नहीं रहता। और कुकर में दाल को भी नहीं बनाना, कई को कहते पूरे लोबिया फूट जाती हैं, तरकारियाँ पूरे गल को मिल जाती हैं, नहीं करना। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें नमक डालना, सबको देखना नमक है क्या, नमक तो दाल कुछ नहीं हो मैं, अब डालती तरकारी, तरकारी के साथ डालना था परवा नहीं, कैसा भी रहता इतना नमक कड़ी को लगता है, वैसे एक स्पून से ज्यादा नमक करना, चाको देखो कितना खारा गया होना, और नमक कितना डालना तुमने, कितना टेस्ट लगता है नमक का होता डालना, मिर्चा लाल मिर्चा का भी होता है, देखो ये लाल मिर्ची भी पाउडर डालो। अब इसमें नारियल गिर सब रेडी हो गए, कड़ी गड़ी हो गया, अब इसमें जर्रा ठेर को अमली का खट्टा डालना, अगर नहीं है वही ऐसा डाल ले स्टेप बाई स्टेप तो क्या भी नहीं, तुमने लोबिया बोलते रहे तो पूरी तरकारियाँ मसाला सब मिला डालो, मिला को लोबे गलते गले का रही बोलो आधे आधे गल गए तो पूरा मसाले घिसाले सब मिला देना, मिला को पकते रहते ना कड़ी नारियल ना, मैं जरा लेट पीसी बना रहे ना उसके वास्ते मैं दिखाई सू, नारियल पीस को रेडी है तो भी वो भी डाल दे रहा टमाटो के साथ बता रही हूँ, ऐसा करना है तो करो, कैसा भी करो कड़ी मजे की हो जाती है। मैं कतली बघार रही हूँ, लोबिया की कड़ी बघार रही हूँ मैं, इसमें डाल रही हूँ ऑलरेडी तेल डालकर हूँ, है तेल बघारने जरा कम डालना, बहुत डाले तो ऊपर क्या होता है तेल आपको खर्चा आपको खराब दिखता है, खाने नहीं होता। देखो छोटे टी स्पून से तेल डालना बस, पहले प्याज डाल कर है, देखो प्याज फ्राई डाला तो बहुत जल्दी हो रहा था, खाया था नहीं।
अब देखो इसमें मिला कर लेंगे सर, ठीक है तो गल गए थे सर। डाल दें डालो मैं ये सब्जी, ठीक हो गए। अब मैं इसमें जितना अच्छा दिख रहा है नहीं, कड़ी भी वैसे मजे की रहती है। अच्छा देखो लो बेसा अच्छा गल गई, इसके पीले का भी रंग भी अच्छा आ गया पीस के लिए। आलू बैगन लोबे सब तरकारी कम है परवाह नहीं चलता है, क्या भी नहीं है सब। कितना शायद कितना अपना ये गाढ़ा गेहूँ ना उतना कर ले सकते हैं हम, इतना बस ज़्यादा घटते गाढ़ा गे रहे तो भी अच्छा नहीं रहता, तुम्हारे ऊपर वही से कितना है ना उतना कर सकते। मैं बंद कर दूँ देखो ये कड़ी, कड़ी बनाकर है ये कड़ी है, बैगन है बीन्स की फली कड़ी भी देखो लोबी कितना अच्छा पक गई। इसके साथ ये चाकने बम्बल मच्छी बनी और ये बैंगलोर वाले हैं खाते हैं सब। ये देखो ये पपड़ी और ये पपड़ है, ये चावल और इसके साथ ये रागी हिट है, रागी हिट है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।